हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज काफ़ी टाइम के बाद मैं अपनी वीडियो को डाल रहा हूँ। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, मैंने काफ़ी आज से 2-3 साल हो गए हैं मैंने ये परचेज किया था। ये स्क्रू ड्राइवर है ब्लैक एंड डेकर का। तो ये कई बार जैसे स्क्रू वगैरह खोलने होते हैं तो उसके लिए काम आता है, जिसमें हम ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है तो उसमें रहता है। बढ़िया है किसी भी स्क्रू को खोलने के लिए, ये भी वर्किंग है। तो 1-2 दिन पहले चल नहीं रहा था, मैंने इसको खोला था। दोस्तों, आज हम इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर से क्या मैकेनिज्म रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो दोस्तों, इसको ओपन करते हैं। ये ब्लैक एंड डेकर कंपनी का है। कहाँ गया इसका कैमरा? तो ये देखिए, ब्लैक एंड डेकर। ये मैंने 800 का लिया था, अब मुझे याद नहीं मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था अमेजोन से लिया था। तो चलिए दोस्तों, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर इसका लॉक है, लॉक को ऊपर उठाएंगे, ये आ जाएगा। स्क्रू ड्राइवर भी नहीं है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, इसको ओपन करते हैं। देखिए अभी चल रहा है, जैसे देखते हैं क्या मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले तो हम इसको खोलते हैं। ये इसका लॉक लगा होता है, ऐसे खोलेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो ये आ गया बाहर। इसके बाद इसको धीरे से ओपन करना है। ये देखिए, इसमें एक ये रहता है गियर सिस्टम, और ये एक कैमरा। ये देखिए, इसमें गियर सिस्टम में ग्रीस लगाई हुई, तो तभी इसे ये काला हुआ पड़ा है। और दूसरी तरफ से ये है मोटर का हेड है। और अभी सबसे पहले इसको देखते हैं, देखिए ये मोटर है, इसमें 4 सेट डले हुए हैं। देखिए, वैसे तो इसके साथ दूसरे सेल आते हैं, तो ये मैंने पैनासोनिक वाले डबल ए साइज़ जो घड़ी में डलते हैं वही वाले हैं। डबल ए साइज़ इनके लिखा भी होगा, डबल ए साइज़ इनको डबल ए साइज़ बोलते हैं। तो इस तरह से लगेंगे इसमें ये देखिए, ये मोटर का मैकेनिज्म आ गया। ये जो गियर है इसमें लगता है, ये है सारा मैकेनिज्म। इसमें गियर ही हैं और कुछ नहीं है। देखिए बस, ये मैं हाथ से घुमा रहा हूँ, देखिए बस, और कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ इन गरारियों की मतलब इन गियर्स की मदद से जैसे चैन ब्लॉक वर्क करता है, सेम उसी पैटर्न में ये काम करता है। चैन ब्लॉक का भी बेसिक प्रिंसिपल वही रहता है कि थोड़ी सी जगह पे हम फोर्स लगाते हैं और वो बड़ी जगह में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या है, इसकी टॉर्क कन्वर्ट हो जाती है। तो यही है दोस्तों इसका मैकेनिज्म। ये देखिए, मैं हाथ से घुमाता हूँ तो ये घूमेगा बस। ये इसके अंदर वाली गियर्स है, ये ऊपर वाले गियर्स आ गए, ये नीचे वाले गियर्स आ गए। ठीक है दोस्तों, बस ऐसे करके फिट कर देना है इनको। तो थोड़ा ग्रीस वीस लगी हुई है इसलिए थोड़ा आ गया, थोड़ा सा इसको घुमाया, हो गया सेट। ठीक है, देखिए बस इसको घुमाने के लिए अभी ये लगा हुआ है, ये पुली लगी हुई है, इसकी पुली लगी हुई है। देखिए, ये इसमें एक लॉक लगा होता है, छोटा सा दिखाता हूँ मैं आपको। ये थोड़ी शाफ्ट कटी हुई होती है इसकी, देखो ध्यान से, ये ऐसे राउंड आ गई, ये देखिए कटी हुई है, थोड़ी सी स्लैट करी हुई है इसके लॉक के लिए। बस ये गया इसमें, और देन ये आ गया इसमें, इसका खांचा बना होता है इस हिसाब से सेट होगा। ये देखिए, ये इस तरफ से बना हुआ है,
अभी इसका ये बना हुआ है, इसे फिट कर पाऊंगा, इसको फिट कर दे थोड़ा सा। थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे और ये यहाँ भी सेट हो जाता है।